हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जैसा हम लोग जान रहे हैं चैप्टर थ्री की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और ग्रेविटेशन इस यूनिट का नाम है। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में जान लिया है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। कुछ किसी डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर इन द यूनिवर्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब आगे बढ़ी तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझा, मतलब इसके फिजिकल एग्जांपल्स के बारे में और किस तरीके से किस सिस्टम एक जगह से दूसरे जगह फिट है अपने अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो, उन सबको समझते हुए फिर हम लोगों ने इसका एक फेमस लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। उसके फॉर्मूले को पढ़ा, फिर कैपिटल जी की वैल्यू को देखा। कैपिटल जी की वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देना, उसको याद रखे रहना, क्योंकि न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू आपको बार बार लिखनी पड़ेगी और आपको याद रहेगा तो बेहतर है। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया कि ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ प्रभावशाली है और कहाँ पे क्या है नेग्लिजिबल है, तो हमें पता लगा कि छोटे ऑब्जेक्ट में ये फोर्स एग्जिस्ट तो करता है बट इसकी फोर्स की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। बट ये जान लीजिए कि फोर्स एग्जिस्ट करता है, फोर्स रहता है। बड़े ऑब्जेक्ट्स में फोर्स की वैल्यू काफी बड़ी होती है, जहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ इनका वैल्यू सिग्निफिकेंट है या वेरी लार्ज है, जिसकी वजह से इनको हम क्या करते हैं वहां पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, आज के अब आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हमें आगे चल के देखना है और एक दो हम पहले क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि बच्चों ने डिमांड किया कि कुछ न्यूमेरिकल किए जाएं, तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद आगे केपलर्स लॉ ऑफ लैटरी मोशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ही हम करते हैं पहले। मैं इजी क्वेश्चन लूंगा पहले आपके, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो है देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ वन केजी। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, जहां ब्रैकेट में लिख लीजिए मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁴ बहुत ज्यादा दे दिया है। फिर उसके बाद दे दिया है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 2×10³ kgm और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है g = 6.67, किसी किसी बुक में 6.7 ले लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में चले इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं कि हमारे पास कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स हमें वैल्यू निकालनी है ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉल। अर्थ की वजह से किसी बॉल पर हमें क्या करना है, ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। और क्या क्या दिया है, ये दिया है कि जो बॉल है उसका मास 1 kg है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दूसरा भाई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है ना, तो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, अर्थ है। तो यहाँ पे मास m1 आपका अर्थ सपोज किया जा सकता है और मास m2 क्या सपोज किया जा सकता है, अर्थ। ठीक है, अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा जरा इसको देखते हैं। तो
तो पहले हमें क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन है मास ऑफ बॉल, वन केजी, है ना। इसे आप एम टू सपोज कर लीजिए या एम वन सपोज कर लीजिए, मास ऑफ अर्थ जैसा दिया है उसी अकॉर्डिंग करेंगे, 6 × 10⁻²⁴ kg, ये एम टू एम वन सपोज कर लीजिए, है ना। आर कितना दिया है, आर आपको दिया है रेडियस ऑफ अर्थ, तो वही आर कंसीडर हो जाएगा बेटे, 6.4 × 10�³, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमारा ये सपोज कर लीजिए अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर एक बॉल रखी हुई है, तो इनके बीच में क्या ग्रेविटेशन फोर्स होगा या अर्थ इस पर कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, तो कैसे करेंगे भाई। मास एम वन तो अर्थ है, मास एम टू बॉल है, इनके बीच की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से इसकी जो दूरी होगी वही क्या होगा, आर होगा, जो फॉर्मूले में आपको यूज करना है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज क्या करें, पुट कर दें, वैल्यूज पुट करते हैं, एफ जी की वैल्यू कितना है 6.7 × 10⁻¹, एम वन की वैल्यू कितना सपोज किया गया है 6 × 10⁴, एम टू की वैल्यू कितना है बेटे 1 kg, 1 रख देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा गया है 6.4 × 10³ का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है, बाकी सारा काम हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो नीचे आपका क्या है, वैल्यू है 6.4 × 10³, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6.4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 10³ का भी स्क्वायर होगा। तो अगर आप क्या करते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास नंबर है तो ये पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरीके से होगा 6.7 × 10⁻¹ × 6 × 10⁴, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बदलेगी नहीं, इसलिए वही है। अब नीचे 6.4 × 6.4 × 10⁻⁶ आ गया, स्क्वायर था ना, इस वजह से ऐसा हुआ। चलिए अब क्या करें, हम इस 6.7 को इस 6.4 से क्या करें, देखो 6.7 है और 6.4 है, एक ले लेते हैं, तो एक पॉइंट पर डेसिमल इस पर भी है, एक पॉइंट पर डेसिमल इस पर भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 67 मतलब डेसिमल हटा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, ये कर लेते हैं हम लोग, तो ये 6.7 से ये 6.4 क्या हो जाएगा 67/64 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ का जो 6.4 है वो इसके पावर से क्या कर लें, मेंटेन कर लें, दैट मीन्स हम यहाँ पर पावर 5 कर दें और इसको क्या कर लें, इसको हम 6.64 बना लें, समझ वाली बात। कैसे देखिए 6.4 है, 10⁶ है बेटे, इसको हम लोग क्या कर लें, इसको हम ऐसे कर लें 10 × 10⁵। अब देखिए एक पावर यहाँ पे चला आया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये 10⁵ हो जाएगा, तो नीचे आपका 64 × 10⁵ आ जाएगा, ऊपर बेटे आपका ये 10⁻¹ रहेगा और 10⁶ अब आपको ये थोड़ा सा आसान दिखने लगा,
इसके न्यूमेरिकल थोड़े से टफ होते हैं, कारण इसमें वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी दी जाती हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे कर रहे हैं इसे धीरे धीरे कर लेंगे हम लोग, बहुत राइट टाइम सिलेबस है हमारा, कोई दिक्कत भी नहीं है हमको। अब देखिए जो 10 के पावर से हमको सॉल्व कर देंगे, तो 10 के पावर यहाँ -11 है, यहाँ 24 है और ये 5 है, तो 5 को इन सबको अलग कर लेते हैं। है ना, तो ये 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर 24। अच्छा, ये 10 टू दी पावर 5 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू दी पावर -5 हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा बेटे, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में था अब न्यूमरेटर में आ गया। अब देखिए 6 का अगर हम क्या करें, इससे डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 3 2 6, 2 से कर रहे हैं, 2 3 6, 2 3 6 32 आ गया, और 6 ये क्या करेंगे 67 का डिवीजन 64 से करते हैं, अब ये 7 टाइम जाएगा, जितना बचा 3 बचा। अब बेटे यहाँ पे क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा, डेसिमल लगाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, लेकिन 10 से तो काम बनेगा नहीं, 10 से तो काम नहीं बनेगा, तो हमें दूसरा 0 लेना पड़ेगा। हमने क्या किया, दूसरा 0 ले आए, अब इसका क्या किया, डबल करेंगे तो 64 2 128, 3 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स आना चाहिए, तो 6 4 4 16 होगा 1, आप सही, इसको बस इतना ही कहने देते हैं आप, ठीक है, इतना सफिशियंट है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई, 1.04, और ये आपका यहाँ पर 3 है और नीचे ये 32 है, इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए -11 24 -5 11 और ये -5 और 11 जुड़ के कितना हो जाएंगे, -16 हो जाएंगे, 10 टू दी पावर -16 और फिर 10 टू दी पावर 24। जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 टू दी पावर 8 आ जाएगा। एक मिनट, वैल्यू गलत दिया है क्या, हाँ बेटे मेरे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में मेरे मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट कुछ नहीं, बस खाली थोड़ा सा चेंज करना है, बस ध्यान देना है। मिसप्रिंट क्या है कि ये 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, और इसको आप किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 टू दी पावर यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 6.10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं, नीचे वैल्यू में क्या होगा, 10 टू दी पावर 3 और आ जाएगा, क्योंकि 10 टू दी पावर 3 सॉरी पहले 10 टू दी पावर 3 था, ऐसे स्क्वायर था, याद करिए ऐसे लिखा था मैंने 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ ये 6 हो जाएगा और 6 होने की वजह से ये 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 10 टू दी पावर 6 और ले लेते हैं, याद करना 12 कर देना, नीचे जो पावर है 10 टू दी पावर 12 कर देना, और जब ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -11, 10 टू दी पावर 24, 10 टू दी पावर -11 हो जाएगा, तो 11 -22 हो जाएगा और ये 24 में से माइनस हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 2 आ जाएगा। अब सही है, ठीक है, तो अब इसको 10 टू दी पावर 2 यानी 100, 10 टू दी पावर 2 यानी 100, और 100 है तो इसके डेसिमल को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 104 इंटू 3 अपॉन 32 आता है। अब क्या कर ले, अब 104 को 32 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 3 टाइम जाना चाहिए, 3 2 6, 3 3 9,
तो ये क्या आ जाएगा बेटे, ये 10 में ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए 8, 9, 9 में से भाई 9 गया 0। अब मैं क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा और ये 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3.2 ले लेते हैं, ठीक है, इसका 3.2 लेते हैं, 3.2 मतलब इनको सॉल्व करेंगे 3.2 आ जाएगा, 3 पहले से है, 9.6 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा बुक में 9.8 दिया है तो डेसिमल के एक दो पॉइंट और जाएंगे आगे तो 9.8 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले का। देखिए बच्चे, अब इस अगला क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कारण ये कि ये ऐसे ही सोल्यूशन होते हैं, इसका 15-15 मिनट का एक एक सोल्यूशन होता है, बड़ा देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप पढ़ते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहिएगा, हम आपके साथ 100% अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।